हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीवीएल लर्निंग। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी एक्सप्लेनेशन के साथ, और साथ ही क्वेश्चंस में जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनमें से कौन सा एक सेलेक्ट करना है, कौन सा तीन निगलेक्ट करना है, उसे हमें कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। सीटेट के जो चार ऑप्शंस होते हैं वो लगभग एक ही जैसे दिखते हैं, अर्थात कुछ ऐसा है तो फनी बट रियलिटी यही है। तो चलिए हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की, जो कि सीटेट जून 2011 में आया हुआ है। तो यहाँ पे क्वथन और वाष्पीकरण में डिफरेंस पूछ रहा है, दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर तो होते कई हैं, लेकिन यहाँ पे ये जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं हमें उनके अकॉर्डिंग बताना है कि इन चारों में कौन सा एक ऑप्शन सही है। तो दोस्तों, अगर पहला क्वेश्चन पहला ऑप्शन हम देखते हैं तो ये लिखा है कि क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि क्वथन होता क्या है। क्वथन का मतलब उबलना, अर्थात हर पदार्थ का अपना एक क्वथनांक होता है, मतलब उस टेम्परेचर पे वह पदार्थ उबलने लगता है, ठीक है। और वाष्पीकरण मतलब क्या होता है, वाष्पीकरण में एक कोई भी टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर भी होगा अगर, तो कोई भी द्रव वाष्प में बदलने लगेगा, ठीक है। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो वो है कि क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है। तो जब अगर हम 1 लीटर पानी लेते हैं, उसको उबालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो आयतन होगा वो कम होगा। लेकिन उसके बाद स्टेटमेंट ये लिखा है कि जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो जब वाष्पीकरण में क्या होता है कि द्रव से गैस में परिवर्तन होता है, तो क्या उसमें उसके आयतन में कमी नहीं आएगी? ऑब्वियसली आएगी कमी, ठीक है। तो इसलिए पहला गलत दिया है स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट दिया है कि क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है। तो क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन होता है, भाप बनकर उड़ने लगता है, ठीक है। मैं पानी का एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, लेकिन वाष्पीकरण में ऐसा नहीं देखा जा सकता। तो ये तो गलत हो गया, वाष्पीकरण में भी तो आखिर द्रव से वाष्प में ही बदलता है ना। इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी यहाँ पे रॉन्ग है। अब मैं बात करती हूँ तीसरे स्टेटमेंट की, वो दिया है कि क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। तो क्वथन से जल की अवस्था तो बदलती है, मतलब जल किस रूप में है, द्रव की अवस्था में, तो वो किस में बदल जाता है, गैस के रूप में, ठीक है। क्या वाष्पीकरण में नहीं बदलता? ऑब्वियसली वाष्पीकरण में भी बदलता है ना, क्योंकि वाष्पीकरण में भी द्रव किस में बदल जाता है, गैस में बदल जाता है। तीसरा स्टेटमेंट भी रॉन्ग हुआ। चौथा स्टेटमेंट है कि वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। तो वाष्पीकरण, अभी मैं स्टार्टिंग में इस चीज़ को बताई कि वाष्पीकरण में मिनिमम टेम्परेचर भी होगा तो भी वाष्पीकरण होगा, लेकिन क्वथन के लिए एक स्पेसिफिक टेम्परेचर होता है, मतलब हर पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है, जैसे पानी का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो आंसर इसका क्या होगा, चौथा, बाकी तीन ऑप्शंस इसमें सही नहीं है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, जो कि सीटेट जून 2011 में आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में दिया है कि नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है। तो इसके पीछे जो कॉन्सेप्ट है वो है घनत्व, अर्थात डेंसिटी का। कैसे? जैसे अगर हम किसी पदार्थ को किसी द्रव में डालते हैं तो वो पदार्थ उस द्रव में डूबेगा या तैरेगा वो डिपेंड करता है उसकी डेंसिटी पे, अर्थात घनत्व पे। अगर वो पदार्थ पानी में डूब जाता है, इसका मतलब कि पानी से ज़्यादा घनत्व उस पदार्थ का है, और अगर वही पदार्थ पानी में तैरता है तो इसका मतलब कि उस पदार्थ का घनत्व तो पानी से कम है, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन में देखें अगर, तो पहले लाइन पे लिखा है कि जो नींबू है वो साधारण पानी में डूब जाता है, इसका मतलब कि इस दशा में जो नींबू का घनत्व है वो साधारण पानी से ज़्यादा है, इसलिए वो डूब गया। लेकिन अगर हम पानी में नमक मिला दें और उसके बाद नींबू को डालें, तब क्या होगा? तो जैसे ही आप नमक मिलाएंगे पानी में, तो पानी का जो घनत्व है वो ज़्यादा हो जाएगा, किससे? नींबू से। तो इसलिए नींबू क्या होगा, तैरने लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें चार ऑप्शंस को हम देखते हैं। लिखा है पहला ऑप्शन है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। तो क्या ये सही है? नींबू का घनत्व कैसे बढ़ेगा? हमने नींबू में थोड़ी ना कुछ किया है, हमने तो पानी में नमक डाला है, इसलिए पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन दिया है कि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है, तो ये भी संभव नहीं है। नींबू का घनत्व कैसे कम होगा नमकीन पानी में, ठीक है। अब हम बात करते हैं तीसरे ऑप्शन की। तीसरा ऑप्शन दिया है कि नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। ये थोड़ा सा
ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, अर्थात जो नमकीन पानी है उसका घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक है। तो ये सही है, तो ये सही लग रहा है ना। लेकिन अब हम चौथा ऑप्शन भी देख लेते हैं कि जो साधारण पानी का घनत्व है वो नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है, तो ये गलत है। साधारण पानी का घनत्व अगर ज़्यादा होता तो साधारण पानी में नींबू डूबता नहीं, तैरता रहता है ना। सो द करेक्ट आंसर विल बी थर्ड। दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सीटेट फेब 2014 में आया हुआ है। तो इसमें पूछा है कि मृत सागर क्या है। तो दोस्तों इसके लिए इसकी वीडियो ये और डेंसिटी और वाटर की वीडियो मैं पहले ही बना चुकी हूँ, और जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर की है, आप उसे देख सकते हैं। तो मृत सागर ऐसा सागर होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि सभी समुद्र या सागर का जो जल होता है वो खारा होता है। तो उस खारा किस वजह से होता है, क्योंकि उसमें नमक लवण की मात्रा होती है, ठीक है। अगर हम सब सागरों में मृत सागर की बात करते हैं तो मृत सागर ऐसा सागर होता है जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, अर्थात उसका घनत्व तो क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं चारों ऑप्शंस के। पहला दिया है ऐसा सागर जिसका पानी जहरीला होता है, ऐसा सागर जो सभी महासागरों व सागरों से ज़्यादा नमकीन है, ऐसा सागर जिसमें ज्वार भाटे बहुत तीव्र गति से आते हैं, और चौथा है ऐसा सागर जिसमें जहाज चलाना खतरनाक होता है। तो अभी मैं बताई कि मृत सागर, लेकिन नाम से यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है, क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहा है आपको। मृत सागर मतलब लोग समझेंगे कि ये जहरीला होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मृत सागर ऐसा सागर है जो सबसे ज़्यादा नमकीन है, मीन इसका जो ऑप्शन सेकंड होगा वो सही होगा। और जो मृत सागर है इसका फैक्ट ये है कि उसमें अगर इसमें कोई भी मनुष्य डूब नहीं सकता, क्यों, क्योंकि इसका इस पानी का जो घनत्व होता है वो ज़्यादा होता है। सो द करेक्ट आंसर विल बी सेकंड। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 2019 के सीटेट में भी आया हुआ है, बस उसमें एक वर्ड ऐड कर दिया था, वो क्या है वो अभी मैं आगे बताऊंगी। पहले इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। जैसा कि इसमें दिया है कि निम्नलिखित पक्षियों में से कौन अधिकांशतः अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है, मतलब ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को पीछे तक घुमा सकता है। तो पहला ऑप्शन दिया है मैना, दूसरा उल्लू, तीसरा कौवा और चौथा कोयल। तो इसमें जो तीसरा और चौथा ऑप्शन होगा वो तो नहीं होगा, क्योंकि कौवा और कोयल तो नहीं घुमा सकते। अब बात आती है मैना और उल्लू की। तो इसमें अगर उल्लू की बात करें तो उल्लू तो पीछे तक घुमा सकता है, और मैना भी घुमा सकती है, लेकिन मैना क्या करती है, एक झटके से घुमाती है। तो इसमें इन्हीं दोनों में कन्फ्यूज़न थी। तो अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो सेकंड होगा, उल्लू। लेकिन जो 2019 के पेपर में आया था क्वेश्चन, उसमें क्वेश्चन ये था कि निम्नलिखित पक्षियों में कौन पक्षी अपनी गर्दन को एक जर्क के साथ, मतलब झटके के साथ पीछे घुमा सकता है। तो अगर उस क्वेश्चन की बात करें तो उसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा मैना। तो दोस्तों देखा आपने, सीटेट के क्वेश्चंस देखने में तो ईजी रहते हैं, लेकिन जो उसके चार ऑप्शंस होते हैं वो काफ़ी कन्फ्यूज करने वाले होते हैं। तो उसमें आपको कैसे एक को सेलेक्ट करना है और तीन को हटाना है, वो आपको ऐसे ही करना है, मतलब एक एक स्टेटमेंट को ढंग से पढ़ना है, ठीक है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चंस को पढ़ के जाएंगे, कभी कभी ऐसा होता है कि जो चार ऑप्शंस दिए होते हैं आप उन चार ऑप्शंस से ईजली उस क्वेश्चन का आंसर आसानी से खोज सकते हैं। तो बस आपको उन चारों ऑप्शंस को अच्छे से पढ़ना है और ध्यान से उसमें करेक्ट आंसर को पिक करना है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।